ये स्टूडेंट आज हम सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर करेंगे और देखेंगे कि टाइम पीरियड लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है या नहीं डिपेंड करता है। इसके तीन एक्सपेरिमेंट हैं अलग अलग से। तो पहले आज करते हैं कि टाइम पीरियड डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो सबसे पहले हम लेंथ मेजर करने से इसका डायमीटर पहले मेजर करेंगे। डायमीटर मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं यूज अगेन ये वर्निंग कैलिपर जो इससे पहले वाले एक्सपेरिमेंट करने मैंने आपको बताया था। इसको डायमीटर वाइज ऐसे इसके अंदर रखेंगे और तीन मुख्य रीडिंग आप तीन मुख्य जगह से इस तरह ले लेते हैं। तो ये आ जाता है हमारे पास डायमीटर ऑफ द पेंडुलम इस तरह। इसके बाद हम इसका रेडियस फाइंड करेंगे। डायमीटर की एवरेज वैल्यू फाइंड करने के बाद उसको टू के ऊपर डिवाइड करते तो रेडियस आ जाता है। इसके बाद लेंथ हमने फाइंड करनी है। ये फोकस ने यहां से लेकर यहां तक थ्रेड और इस ओक की जो लेंथ होगी इसके अंदर रेडियस को ऐड कर देते हैं तो ये टोटल लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम आ गया। लेंथ मेजर करने के लिए हम मीटर रॉड को यूज करते हैं। मीटर रॉड इसके यहां से रखने के बाद यहां तक देखते हैं कि लेंथ कितनी आती है। तो ये लेंथ जो है वो मेजर कर लेती है यहां तक इसकी लेंथ आ जाती है। ये इस वक्त मेरे पास 78 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ गई है ये बल्कि। अब इसके डायमीटर क्या रेडियस निकालने के बाद 78 के अंदर ऐड करते हैं तो टोटल लेंथ उसका पेंडुलम आ गया। इसके बाद यहां पर इस पेंडुलम के नीचे इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर इस तरह एक लाइन लगा लेती है। लाइन लगाने के बाद इसके ऊपर तीन मुख्य पॉइंट्स लगा लेते हैं जो 10 सेंटीमीटर 15 और 20 सेंटीमीटर के एम्पलीट्यूड देख रहे हैं। और इस पेंडुलम को जब मेन पोजीशन से पकड़ के एक साइड के ऊपर डिस्टर्ब करेंगे तो 20 वाइब्रेशन के लिए सिंपल पेंडुलम ऐसे वाइब्रेट करेगा। तो 20 वाइब्रेशन के लिए हम क्या करेंगे टाइम मेजर करेंगे इस स्टॉप वॉच की मदद से। ये स्टॉप वॉच है हमारे पास जिसके ऊपर सेकंड मिली सेकंड आते हैं यहाँ मिनट सेकंड और मिली सेकंड आते हैं। तो सबसे पहली डेट होती है 78 सेंटीमीटर लेंथ के लिए देखते हैं कि 20 वाइब्रेशन के लिए कितना टाइम पीरियड आता है। तो यहाँ से इसको मैं यहाँ पकड़ के इधर ले जाता हूँ और ये देखने का गौर से ये इस तरह वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। तो यहाँ से जैसे ही ये सिंपल पेंडुलम यहाँ से इधर जाएगा वापस इधर आएगा एक वाइब्रेशन बनता है। एक वाइब्रेशन के लिए टाइम दूसरे वाइब्रेशन के लिए टाइम तीन इस तरह 20 वाइब्रेशन के लिए आपने इसका टाइम मेजर कर दिया। देखते हैं कितना टाइम आता है। जैसे ही यहां से आप मेजर करना शुरू कर देते हैं तो स्टॉप वॉच को ऑन कर देंगे। जैसे 20 वाइब्रेशन कंप्लीट होंगे तो स्टॉप वॉच को ऑफ कर देंगे और एक लेंथ के लिए आपने दो दो रीडिंग लेनी है। दो दफा आपने टाइम पीरियड इसका टाइम मेजर करना फिर मीन टाइम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्टॉप वॉच को चला देंगे उसी के साथ ही जैसे ही चलेगा 20 वाइब्रेशन के लिए स्टार्ट किया मैंने। देखते हैं इधर से शुरू करेंगे ऐसे 20 वाइब्रेशन के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये 36.8 सेकेंड आ गए टाइम। कितनी लेंथ के लिए 78 सेंटीमीटर के लिए हमने इसकी लेंथ मेज किया। आ गया हमारे पास
36.828 सेकंड इसका आ गया। अगेन इसका टाइम वेव कर लेते हैं, इसको पहले जीरो पर ले आते हैं और अगेन इसको मैं यहाँ पर ले जाकर छोड़ देता हूँ और अगेन इसका टाइम जो है यहाँ से मेव करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही यहाँ से मूव करेगा स्टॉप वॉच को ऑन करेंगे। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस 36.25 अगेन सेम टाइम आ गया। एक लेंथ के लिए टाइम जो है उसका सेम आ गया। अब दोबारा से लेंथ इसकी चेंज कर लेते हैं। लेंथ चेंज करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से लेंथ को रिड्यूस करेंगे और देखेंगे टाइम पीरियड क्या सेम आता है या नहीं आता। अगेन फिर लेंथ रिड्यूस, लेंथ को अब हमने रिड्यूस कर दिया, देखते हैं कितनी लेंथ आई है। ये अभी हमारे पास 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर के अंदर अगेन इसका रेडियस जो ऐड करेंगे तो टोटल लेंथ उसका पेंडुलम का। अगेन हम क्या करेंगे 20 वाइब्रेशन के लिए 70 लेंथ के लिए 20 वाइब्रेशन का लेंगे और 20 वाइब्रेशन के लिए अगेन टाइम जो है वो नोट करते हैं। तो दो दफ़ा इस लेंथ के लिए अगेन आपने टाइम जो है नोट कर लें। तो स्टार्ट करते हैं अगेन एक बीस 34.03 सेकंड। इसका मतलब है लेंथ को रिड्यूस करने से टाइम पीरियड भी रिड्यूस हो रहा है। टाइम रिड्यूस हो रहा है, टाइम पीरियड हमने फाइंड नहीं किया। तो अगेन इसको जरा दूसरा टाइम इसका देखते हैं कि क्या बाकी उतना ही आता है या थोड़ा देरी कर देता है। एक दो तीन अठारह उन्नीस बीस 33.97 सेकंड आ गया, टाइम वेरी कर रहा है। अब क्या करते हैं दोनों टाइम का अगेन आपने इसका मीन एवरेज टाइम फाइंड करना है और फिर एक वाइब्रेशन के लिए आपने जो मीन टाइम है टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन को इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो एक वाइब्रेशन के लिए टाइम आ जाता है जिसको आप टाइम पीरियड कहते हैं। तो दो रीडिंग हो गई, इस तरह आपने तीसरी रीडिंग जो है वो भी कैलकुलेट करनी है। तो इस तरह हम साबित करेंगे कि जो टाइम पीरियड है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे लेंथ को रिड्यूस करते जाएंगे उसके साथ साथ टाइम पीरियड भी रिड्यूस होता जाएगा। टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्केयर रूट ऑफ लेंथ, ये इसका ये पहला एक्सपेरिमेंट था जो आज हमने कंप्लीट किया। तो इसके बाद हम दूसरा एक्सपेरिमेंट जो करेंगे जो कि एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब एम्पलीट्यूड वेरी करने से देखेंगे कि क्या टाइम पीरियड चेंज होता है या नहीं होता। तो अगेन जरा देखते हैं हम मुख्तलिफ एम्पलीट्यूड लेकर तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या एम्पलीट्यूड के वेरी करने से टाइम पीरियड चेंज होता है या नहीं होता। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 10 सेंटीमीटर फासले के ऊपर छोड़ देता हूँ, फिर इसका 20 वाइब्रेशन के लिए टाइम फाइंड करेंगे, फिर दो रीडिंग इसके लिए लेंगे। अब लेंथ हमने चेंज नहीं करनी, लेंथ सेम रखेंगे, सिर्फ हम एम्पलीट्यूड इसका चेंज करेंगे। तो पहले 10th के लिए देखते हैं एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर रखते हैं, 20 वाइब्रेशन के लिए टाइम मेजर करेंगे। इसके लिए भी हर एम्पलीट्यूड के लिए आपने दो रीडिंग्स लेंगे, इसके बाद फिर एम्पलीट्यूड जो है चेंज करेंगे, फिर 15 कर देंगे, 20 कर देंगे, 25 कर देंगे, इस तरह से जो रीडिंग जो चेंज करते हैं। तो देखते हैं कि पहला जो 10 सेंटीमीटर के लिए टाइम कितना होता है। लेंथ हमारी सेम है, लेंथ हमने चेंज नहीं किया, लेंथ वही है, एम्पलीट्यूड वेरी करेंगे इसके लिए। एक दो तीन सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस 34.12 सेकंड। अगेन देखते हैं इसी लेंथ के लिए, देखते हैं कि टाइम कितना होता है हमारे पास 20 वाइब्रेशन के लिए, दोबारा से देखते हैं। एक दो तीन अठारह उन्नीस बीस
34.10 सेम टाइम, इसका मतलब ये है कि एक एम्पलीट्यूड के लिए दो मतलब रीडिंग दी है वो सेम आई। अब हम क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड को वेरी करते हैं, एम्पलीट्यूड इंक्रीज करते हैं, पहले 10 सेंटीमीटर के लिए, अब हम 15 सेंटीमीटर के लिए ले लेते हैं। अगेन अब ये 15 सेंटीमीटर के लिए भी दो रीडिंग लेनी है। लेंथ अगेन मैंने आपको बताया कि लेंथ इसकी सेम रखनी है, लेंथ को चेंज नहीं करना, सिर्फ एम्पलीट्यूड जो है वो वेरी करेंगे। अब 15 सेंटीमीटर के लिए देखते हैं कि कितना होता है टाइम, एक दो तीन 18 19 20, अगेन 34.03 सेकंड। देखें एम्पलीट्यूड चेंज किया लेकिन टाइम सेम आ गया। इस एम्पलीट्यूड के लिए भी आपने दो रीडिंग दे दी है। इसी तरह एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करेंगे 20 के ऊपर आ जाएगा, तो फिर अगेन इसका टाइम मेजर करते हैं और हमने लास्ट में देखना यह है कि क्या टाइम जो है वो सेम है या नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, 20 सेंटीमीटर के लिए इसका एम्पलीट्यूड 20 सेंटीमीटर लेने के बाद देखते हैं टाइम कितना आता है। पहले 10 के लिए 34 point something सेकंड आ गया था, फिर इसी तरह 15 के लिए भी 34 point something आया था, 20 सेंटीमीटर के लिए देखते हैं कि क्या टाइम टाइम जो है वो सेम आता है या नहीं आता। एक चल रहा अगेन, एक दो तीन चार 19 20, 34.15, पहले 34.12 आया था, 34.10 आ गया था। तो देखें एम्पलीट्यूड को वेरी करने से टाइम सेम आ रहा है, टाइम चेंज नहीं आता, एवरेज वैल्यू निकालते हैं। इसी तरह फिर एक वाइब्रेशन के लिए टाइम निकालेंगे 20 वाइब्रेशन को, ये तो टाइम की एवरेज वैल्यू आएगी, इसके ऊपर डिवाइड कर देंगे तो एक वाइब्रेशन के लिए आ जाएगा टाइम, जो कि हमारे पास होता है टाइम पीरियड। तो ये तीनों रीडिंग्स के लिए एवरेज वैल्यू निकाल के देखेंगे कि टाइम पीरियड जो है वो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, टाइम पीरियड सिर्फ डिपेंड कर रहा है यहाँ पर लेंथ के ऊपर।